ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नए चैप्टर का नाम आप डालोगे, आज तुम्हें चलानी सिखाएंगे हम क्या, ट्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं, अच्छा रेलगाड़ी कौन सा शब्द है हिंदी के अनुसार, है जी अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। देखो पांच तरह के शब्द होते हैं हिंदी में, तत्सम, तद्भव और कौन से, देशज, विदेशज और संकर। अब इसमें बताओ ये कौन सा है पांचों में से, तद्भव है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से तोड़ मरोड़ के बनाए जाते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि को अब क्या कहते हैं हम, आग, आग तद्भव है। जैसे एक आपने देखा होगा अंगूठा, अंगुष्ठ बोला जाता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इसे क्या कह दिया, अंगूठा कह दिया, तो ये तद्भव है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, सूर्य को क्या कह दिया, सूरज कह दिया, ठीक है, चंद्रमा को क्या कह दिया, या चंद्र को क्या कह दिया, चांद, तो ये सब कैसे है, तद्भव है। तो ये ऐसा नहीं है, तत्सम ये है नहीं, तद्भव ये है नहीं, देशज विदेशज, विदेशज है। देखो इसमें क्या है कि ये दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, कौन कौन से, रेल प्लस गाड़ी, और ये दोनों ही शब्द अलग अलग भाषा के हैं। कैसे, ये जो रेल शब्द है ये कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी का, और ये जो गाड़ी शब्द है ये आपका है हिंदी का। तो जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलके कोई शब्द बनता है तो उसे हम बोलते हैं संकर शब्द। और तुमने ये संकर तो पढ़ा भी होगा, संकर जो होता है ना, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी ना उसमें बहुत यूज होता है, संकर होता है दो चीजों का मिश्रण, ठीक है, वही इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन संकर जो मीनिंग होता है, संकर होता है दो चीजों का मिश्रण, ठीक है, कि जब दो चीजें, जैसे हाइब्रिड बोल देते हैं जैसे आजकल हम, ठीक है, हाइब्रिड में क्या होता है, मिक्सचर बनाते हैं वो देसी और विदेशी का, कि भाई तीसरी वेराइटी निकल के आती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि रेल और गाड़ी को मिलाया तो एक तीसरी वेराइटी मिल गई, रेलगाड़ी, क्योंकि रेल का मतलब क्या होता है, रेल का मतलब होता है पटरी, जो लाइनें होती है ना, समांतर लाइन जो होती है, पटरी को अंग्रेजी में रेल बोलते हैं, ठीक है, और गाड़ी कैसा है, हिंदी का शब्द है, तो पटरी पे जो गाड़ी चलती है उसे क्या कह देते हैं, रेलगाड़ी कह देते हैं। तो दोनों अलग अलग शब्द है ना, जैसे और बहुत सारे हैं आपका, आपने देखा होगा वो कौन सा, हाँ लोह पथगामी, वो सब लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, रेलगाड़ी हो गया, जेब कतरा हो गया, तो जेब और कतरा दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, ऐसी और भी हैं, अभी तो याद है मेरे बहुत सारे दिमाग में नहीं आ रहे। चलो फिलहाल हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, संकर। रचना के आधार पर भी तीन तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है, पढ़े हैं तुमने, मैडम ने पढ़ाया शब्द रचना, मैं पढ़ रहा हूँ ना आजकल, मेरा पेपर आ रहा है 27 तारीख का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, यूपी त्रिपुरा से का, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं, देखो कंसेप्ट, कंडीशंस, फॉर्मूले, रेलगाड़ी के बिल्कुल चाल समय दूरी वाले हैं, ठीक है, मतलब अगर चाल निकाल, दूरी निकालनी है तो चाल गुना समय, चाल गुना दूरी, और दूरी निकालनी है तो, सॉरी, चाल निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन चाल। औसत चाल क्या होती है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, या कुल दूरी, कुल समय, ठीक है। उसके बाद मार्कर कैसे दम तोड़ रहे हैं, कल तो भरे थे सारे मैंने।
उसके बाद मैंने आपको सापेक्ष चाल का कंसेप्ट भी बताया था। एक देखो, पिछले वाले टॉपिक में कहीं भी दूरी यूज नहीं हुई थी, ठीक है, इस बार हमारी दूरी यूज होगी। तो सापेक्ष चाल में दो कंडीशन थी कि एक सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या होगा माइनस, और आपकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी प्लस। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी प्लस और डिस्टेंस भी आपकी प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कन्वर्जन भी सिखाया था कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे को अगर कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में तो गुना किससे करेंगे, अगर 18/5 से, और अगर मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में तो गुना किससे करेंगे हर्ष, 18/5। अब यू बताओ गलत कौन सा है, वो तो मुझे भी पता, इन दोनों में से एक ही होना है। इसमें तुमने नया क्या बता दिया, मैंने बताया था बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाओगे तो छोटा नंबर ऊपर, बताया था ना। इससे आसान क्या याद रखो है? भाई तुम्हें पता है ये काम है किलोमीटर, अब किलोमीटर कैसा है बड़ा नंबर है, घंटा बड़ा नंबर है, कन्वर्ट किस में करना है मीटर और सेकंड में, मतलब छोटे छोटे नंबरों में, तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, जब छोटे से बड़े नंबर पे कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर छोटे नंबर को नीचे रख दो, बस इतनी सी तो बात थी जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, अब समझ लोगे। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1, अब इन्हें हटा दूं हैं या नोट कर रहे हो भाई, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, वो ही खत्म करा था शायद हमने, उनको आए ही नहीं थे उस दिन महाराज। सवाल लिखो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए, बताओ बे हर्ष। कितना आ गया आंसर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड। देखो आपको स्पीड दे रखी है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, किससे गुना करेंगे 5/18 से, तो 72 × 5/18, 18 × 72 और 5 × 4, और जब कन्वर्ट कर दिया है तो किस में रह जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट लिखो, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, बारह मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो उतनी ही दूरी
वह कितने समय में तय करेगी? हो गया, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए अलग सा, नहीं लग जाते बस हैं? यही है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो गया, वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में जाती है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि उसकी स्पीड कितनी है, कितनी है स्पीड, एक्चुअल स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे कि अगर मैं इधर भी 5 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और इधर भी गुना कर दूं तो इधर गुना करेंगे 5 से तो कितना आएगा। अब 50 किलोमीटर अगर 60 मिनट में चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो रहा। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें तो माइनस 5 कितनी रह जाएगी, 45 किलोमीटर कितने मिनट में, 60 मिनट में। भाई कोई गाड़ी है जो 45 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलती होगी, 60/45। हमें कितनी चलानी है, 10 किलोमीटर, तो कितनी मिनट में चलेगी, 60/45 गुना 10, 9 पंजे या 5 निम, 5 दूनी 3 दिया और 3 दूनी 20 दूनी 40/3 मिनट में, ठीक है, क्योंकि मिनट में ही तो चल रहा है क्वेश्चन हमारा। इसे सोल्व करोगे 13/1/3 मिनट। अब 1/3 मिनट को अगर सेकंड में बदलना हो तो कितना आएगा, 13 तो ठीक है, इसे 1/3 मिनट को सेकंडों में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा, 260 ही आएगा, क्यों, हाँ 13 क्यों कर रहे हो, 13 तो मिनट है, हमें तो केवल इसे 1/3 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 20 ही तो आएंगे, तो 13 मिनट 20 सेकंड आ जाएंगे ना आंसर, ऑप्शन आ जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, वह 405 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर जाएगी? ये बता दो, कैसे करेंगे? हाँ भाई हो गया, कैसे आंसर नहीं आ रहा, डिस्टेंस कितना है, 405 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 25 मीटर, हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। देखो सबसे पहले तो हमारा जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, अब यूनिट किसमें है, किलोमीटर में है, और स्पीड किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, तो सबसे पहला काम है
इसे किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी हो जाएगी, 25 गुना 18 बटे 5, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, समय स्पीड कितनी है, 90 कट जाएगा, 9 ढाई 90, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 बटे 10 कितना आ गया, इसमें क्या था भाई,